अंधी माँ का बेटा, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसकी पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वहाँ उसे ले आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतज़ार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी एक दिन उससे नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उसे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नज़र आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहलवा दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुँचा और तो बीच सड़क में अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली, चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, तुझसे मिलना अब शायद मुझे गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा भी सपना पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया ना घुसा होता और मुझे तेरी अपनी आंखों से ना देख पाती, तो तेरी तरक्की अपने आंखों से देखकर सुकून से मरती। यह तेरी अंधी माँ। यह पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्म कलानी से भरा उठा और ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाया। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।